कहाँ से आए आप? गोवा से। गोवा से आप भी? क्या करते हैं गोवा में? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। और यहाँ हिमाचल में कहाँ से आप? आनी से। आनी से हैं, कुल्लू आनी। तो अभी कितनी देर से बैठे हैं आप? अभी 10 मिनट 15 मिनट। तो गोवा से यहाँ तक कैसे पहुँचे? ट्रेन से आए दिल्ली तक। दिल्ली तक ट्रेन, फिर वहाँ से टैक्सी में आए जलंधर तक, जलंधर से फिर से टैक्सी के बॉर्डर पैदल भी आए, फिर कांगड़ा तक, फिर आगे से थोड़ा पैदल आए, उसके बाद फिर गाड़ी में आए, गाड़ी के बाद कांगड़ा से पैदल पालमपुर पहुँचे। कांगड़ा से पैदल पालमपुर? हाँ जी। और वहाँ से? वहाँ से फिर पुलिस वालों ने किया टैक्सी की, हाँ जी, हेल्प की घाट तक। हाँ जी। वहाँ से फिर ट्रक में आए, पुलिस वालों ने हेल्प की वहाँ से, उसके बाद आप ट्रक में आए। हाँ जी। और अब यहाँ पे कैसे पहुँचे ट्रक से? नहीं सर, हम गाड़ी में। गाड़ी में? गाड़ी में। वो किसी की प्राइवेट थी कि टैक्सी थी? जीप थी। जीप थी। जीप थी, तो किसी ने लिफ्ट दे दी आपको, है ना? अभी भी आपको यही उम्मीद है कोई लिफ्ट दे दे और आप अपने कुल्लू आनी पहुँच जाएँ? कितना समय लग गया आपको पूरा इस टाइम जब से आप गोवा से निकले? 5 दिन लगे। पाँचवा दिन है आज आपका? 2 दिन पैदल आए, रात को भी सुबह भी पैदल भी चले आप। कितना किलोमीटर पैदल चल लिए होंगे? ज़्यादा नहीं, 17-18 किलोमीटर तो चल दिए, कांगड़ा से पालमपुर और जलंधर से 8 किलोमीटर पीछे से आए। खाने पीने का है आपके पास सामान? कुछ नहीं है सर। तो आपको मैं अभी बताता हूँ, 2 बजे तक दुकानें खुली हैं क्योंकि, तो आप आसपास जो भी, यहाँ सामने पुल है, इस पुल के वहाँ जाइए, वहाँ पे किराने की शॉप है, लगभग बिस्किट पानी और ये सब अपने पास रखो, चॉकलेट, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, है ना? तो ये सब खरीद के अपने बैग में रखिए, हल्का भी होता है ना? पैसे वैसे हैं आपके पास? हाँ, तो ये सब खरीदिए और आप उसके बाद अपना, अगर पैदल भी कहीं फंस भी जाएँ आप, तो खाने पीने, भैया पेट में कुछ रहेगा तभी आपको एनर्जी रहेगी ना, तो ये इसका ध्यान रखिएगा, है ना? और बाकी देखते रहिए कुछ मिल जाए तो। ओके, हाँ जी भाई लोग, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सर हम मंडी से आ रहे हैं अभी। और इसके पहले कहाँ से आए? इससे पहले हम कुल्लू से आए थे, लेकिन हम मंडी में रुके थे, हमने 31 के बाद दोबारा सीजन लगाने जाना था, तो हमें एक्चुअली पता नहीं था कि दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, तो अब हमें घर जाने की दिक्कत हो रही है सर। सीजन क्या लगाने जाना था? मनाली में जो अभी सीजन लाइन में काम करते हैं। तो आपको अचानक से कल जो पूरे देश में अब अप्रैल 14 तक कर्फ्यू हो गया, तो अब आपका क्या, कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? और अभी तो हम सर मंडी से आ रहे हैं, प्रॉपर मंडी से हमारा अभी 3 या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हमने सब। अब बाकी उनसे बात हुई है तो अगर बोलते हैं, अगर लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे बाद छुपना पड़ेगा कहीं, और क्या करना। जी जी। तो आपका क्या प्लान है? आप जोगिंदर नगर पैदल जाएंगे? जी जी सर, अभी तो प्लान यही है कि पैदल ही जाना है। कल सुबह 10 बजे से फिर चलना पड़ेगा सर, और क्या कर सकते। तो कहीं आपको अभी रात को स्टे वगैरह का? जंगल में ही करना पड़ेगा, और कहाँ जाना, मार दोगे खानी सर। जी जी। और खाने पीने का? खाने पीने का भी है नहीं सर, कुछ देखते हैं आगे, दुकान से ले लेंगे अभी तो, मतलब जैसे खा के निकले हैं जैसे, मतलब रूम से। अच्छा हाँ, बाकी आप अपना, क्योंकि बैकपैक है आपके? जी जी, सामान वगैरह इसमें है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, प्राइवेट गाड़ी में। प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ेगी, तब आप दिखा सकते हैं। करसोग से आए आप? हाँ जी। और कौन से ऑफिस में आपकी ड्यूटी है? मेरी फॉरेस्ट में। हाँ जी, डिवीजन में है। तो यहाँ मंडी में कोई नहीं आपका अभी? नहीं, कोई नहीं, छुट्टियाँ पड़ी ना, तब मैंने क्या करना यहाँ। हाँ आपको, चलो ये पेपर है ना हर जगह। हाँ जी, आप दिखा सकते हैं। मैं अभी गोवा से आया हूँ, और पिछले कल मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ, जैसे सुवारगाड़ से लेकर हम बिलासपुर तक हम पैदल आए, बहुत मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से गाड़ी करके, बड़ी मुश्किल से गाड़ी किया, वहाँ से यहाँ मंडी में पहुँचे, और मंडी से अब मेडिकल करवा के हम दोबारा घर पर जा रहे हैं, ना गाड़ी है ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं पैदल जा रहा हूँ अपने गाँव, देखते हैं अब क्या होता है। आपका गाँव जोगिंदर नगर में? जोगिंदर नगर। तो आपका मेडिकल वगैरह भी लिया बीच में? हाँ, मेडिकल हुआ। तो जोगिंदर नगर तक अब आप पैदल ही जाने का सोच रहे हैं? क्या कहने, देखें। कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए पुलिस ने, प्रशासन ने, कि जो आप दिखा सके कहीं? बाकी तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, वही है जो हॉस्पिटल का, जैसे उन्होंने पूरा मेडिकल करवाया नहीं उनका, वो आपका जैसे फिट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे घर में रहो, और घर में जैसे अपने डिस्टेंस में रहो, थोड़े दिन में परहेज करना होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखा आपने इन लोगों की कहानी किस तरीके से ये एकदम से लटके हुए हैं अपने घर और अपने उसके बीच में। हालांकि जैसे गोवा वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें घर से बाहर जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अच्छी बात है, सही आप बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ ये सारे लोग कुछ लोग जो थे इनमें से वो पहले निकल चुके थे एक हफ्ता पहले, जब लॉकडाउन की घोषणा भी इतने सीरियसली नहीं की गई थी, कर्फ्यू की घोषणा भी इतनी सीरियसली नहीं की गई थी। उनको नहीं पता था कि पिछले कल इस तरीके की चीज़ हो जाएगी। और जिस जिन राज्यों से होके आ रहे थे, किसी राज्य ने कर्फ्यू लगा रखा था, किसी राज्य ने लॉकडाउन कर रखा था, तो एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल है। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और हमें भी एज ए नागरिक, क्योंकि प्रशासन के पास भी काफ़ी लोड है इस वक्त काम का, पुलिस के पास भी लोड है। पुलिस अपना काम आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी उनका काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव हल इसका निकाला जाए। कुछ जो हमारे नेतागण हैं जो वो इसका हल निकाल सकते हैं, वो एक अपील कर सकते हैं। बहुत फास्ट आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी मैसेज बहुत फास्ट तरीके से फैल सकता है। हमने लोगों को देखा है, बाहर के स्टेट्स की वीडियोज़ देखी है, लोग रो रहे हैं स्टेशंस पे रह रहे हैं, दो दो दिन से भूखे हैं, कोई आके उनकी हेल्प कर देता तो ठीक है, नहीं तो ये कंडीशन जो है इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो परेशानी में कुछ और कदम उठा रहे हैं या कोई भुखमरी का शिकार हो जाए, तो इस तरीके की खबरें आएंगी तो वो भी बहुत दुखदायी खबरें होंगी। तो इस पे कुछ ना कुछ हम सबको करना चाहिए। और एज अ कम्युनिटी हम लोगों को भी, अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है सड़क पे चलता हुआ, आपको लगता हो भूखा है, प्यासा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए कैसी भी हो सके। अपना ध्यान रखते हुए आप अपने को ग्लव्स पहनिए चाहे मास्क लगाइए, उसकी आप हेल्प लेकिन ज़रूर कीजिए। काफ़ी लोग खग कर भी रहे हैं, ऐसे वीडियो भी हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम एक कम्युनिटी के रूप में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दिस न्यूज़ इज ब्रॉट टू यू बाय आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर। ज्वाइन करें आधार इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन कोर्स और घर बैठे पाएं बेहतरीन कोचिंग। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।